व्यवहार ही आपका परिचय देता है। बात है एक मई की। मुख्य व्यक्ति हमारे दिमासाओ जिले से असम सरकार द्वारा चुनी गई असम कैबिनेट की भारी भारी दफ्तर यानी शक्ति तथा माइंस एंड मिनरल्स विभाग की मंत्री नंदिता गर्लोसा। कहा जाता है उनकी एकेडमिक एडुकेशन बेमिसाल है, पर क्या आपने देखा है असल रूप में उनके साधारण लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहता है? आइए ये भी आपको तस्वीर के माध्यम से स्पष्ट दिखाते हैं। हमारे कैमरे में बंद कुछ दृश्य जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है कि सिर्फ औधा या पोजीशन बड़ा होने से आप बड़े नहीं होते। बड़ा होने के लिए आप में छोटे होने का लक्षण भी होना जरूरी है। बात है एक मई की। उस दिन उमरांगसो में आयोजित रंगाली बिहू कार्यक्रम में शरीक हुई थी नंदिता गर्लोसा। उनके स्वागत में लोग खड़े थे। वो अपनी गाड़ी से उतरी और पंडाल की ओर जाने लगी थी। वहां पहले से मौजूद उमरांगसो के कुछ गणमान्य व्यक्तियां उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उन व्यक्तियों में से एक थे उमरांगसो के वरिष्ठ शिक्षक एम आर बर्मन। नंदिता गर्लोसा की नजर उन पे पड़ी और उसके बाद जो हुआ आप इस दृश्य में देख सकते हैं। इस दृश्य ने उमरांगसो के जागरूक लोगों को अचंभित कर दिया। एक मंत्री या कैबिनेट मंत्री के आगे पीछे हाथ पैर जोड़कर लोगों की कतारें हमने बहुत देखी है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यह दृश्य कुछ और था। इसमें भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता दिख रही थी। एक शिक्षक के पैर छूकर नंदिता गर्लोसा ने आज की पीढ़ी को जो शिक्षा दिया है उसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये एक आम दृश्य था, पर इस आम दृश्य में आज के जनरेशन के लिए एक संदेश था कि बड़े होने के लिए छोटा होना सीख लो। पैसों से नहीं, पावर से नहीं, किसी के दिल में जगह बनाकर देखो, अच्छा लगता है। इसी तरह के न्यूज और अपडेट के लिए आप बने रहे विजन नॉर्थ ईस्ट टेलीविजन के साथ। हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। फेसबुक में हमें फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें।